हेलो स्टूडेंट्स, आज ये आपकी सीपीसी की क्लास होगी। सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड 3 ईयर 5th सेमेस्टर और ऑनर्स 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड दीवानी प्रक्रिया संहिता की क्लास में सबसे पहले हमको ये देखना है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा एक्ट, कोई कानून जो होता है एक्ट पास किया जाता है, एक्ट होता है, ये कोड है। डिफरेंट बिटवीन एक्ट एंड कोड। एक्ट पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनर के बारे में सारे प्रोविजन होंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कैसे मतलब फॉलो किया जाएगा, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे केस किया जाएगा, ये एक्ट में ये सारे प्रोविजन दिए जाएंगे, जिनको हम सब्सटेंसिव लॉ के रूप में जानते हैं। लेकिन जो कोड होता है, कोडिफाई कर दिया जाता है, संहिताबद्ध कर दिया जाता है, तो संहिता का मतलब होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे सिविल है, सीपीसी का मतलब है सिविल प्रोसीजर कोड, का मतलब सिविल से रिलेटेड जितने भी केस हैं, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, या चाहे वो टीपीए से रिलेटेड हो, या चाहे वो आपका पार्टनरशिप हो, या एनी एक्ट रिलेटेड टू सीपीसी सिविल, उन सब में केस कैसे किया जाएगा और केस फाइल करने का तरीका क्या होगा, किस प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें डिसीजन आएगा। यानी पूरे इंडिया में सिविल से रिलेटेड कोई अगर केस है तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू सीपीसी, यानी 1908 की जो हमारी सीपीसी है, आप 1908 में पास होने के पहले हमारे इंडिया में सीपीसी अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में कई सीपीसी चलती थी। जैसे प्रेसिडेंसी सिटीज हुआ करती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड कोलकाता कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इन सभी प्रेसिडेंसी की अलग अलग सीपीसी थी। बट जब से 1908 में हमारी सीपीसी पास हो गई और ये एक्ट के रूप में बना दी कि इसको पास करके कोडिफाई कर दिया गया, तब पूरे इंडिया में सीपीसी कोई भी सिविल से रिलेटेड केस होगा तो इसे कोडिफाई का मतलब है कि पूरा होल, यानी अब कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं है, यही सीपीसी से ही पूरे हिंदुस्तान के सभी सिविल केस गवर्न होंगे। तो इसलिए सिविल प्रोसीजर कोडिफाई का मतलब होता है एक एक्ट में, जिसको अब एक एक्ट में कंसोलिडेट करके एक जगह कर दिया गया, एक एक्ट बना दिया गया, यानी कोई भी सिविल के केस होंगे वो गवर्न होगा उसकी प्रोसीजर सीपीसी से। तो यहाँ पर एक्ट एंड प्रोसीजर, ये कोड में हमने डिफरेंट आपको क्लियर कर दिया। अब देखते हैं सीपीसी कब लागू हुई और इंडिया में इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सीपीसी, इसको एक्सटेंशन की बात किया गया है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो सीपीसी की डाली थी, तो सीपीसी का हमने नेचर और इसमें कैसे कैसे अमेंडमेंट होता है और कैसे कैसे इसका पूरी प्रोसीजर है और इसका एक्सटेंशन पर हमने फोकस किया था। बट आज फिर से उसको मैं रिकैप करते हुए, उसको मैं एक सिस्टम से, उसको पहले से जो हमने बताया था क्लास में, उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि सीपीसी को हमको हाउ टू टीच सीपीसी कैसे हमको पढ़ना है उसके बारे में हमको। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले हमने, जैसा कि हमने बताया कि सीपीसी कैसे लागू होगी, तो सीपीसी को हम टू पार्ट में डिवाइड किए,
फर्स्ट पार्ट में सीपीसी में टोटल 158 सेक्शन, यानी इसमें सीबीसी के कितने सेक्शन हैं, टोटल 158 सेक्शन तथा सेकेंड पार्ट में इसमें सीपीसी में एक शेड्यूल दी गई है, उस शेड्यूल में जो एक अनुसूची है उस अनुसूची में 51 ऑर्डर यानी 51 आदेश का आवेदन दिया गया है। तो सीपीसी सबसे पहले सेक्शन और ऑर्डर में इसमें डिफरेंस करना है, तो सीपीसी में जो सेक्शन दिए गए हैं उसका नेचर मौलिक यानी सब्सटेंशियल नेचर का है, उसमें ये बताया गया है कि सीपीसी में जो सेक्शंस आपके दिए गए हैं उनमें कैसे कैसे, मतलब जैसे आपका उसमें सेक्शन में दिया गया है डिफिनेशन दी गई है, डिफिनेशन के अलावा उसमें कैसे सूट फाइल किया जाएगा, और तो फाइल करने के बाद में कैसे संबंध भेजा जाएगा, और फाइनली उसका डिस्पोजल होकर कैसे उसकी डिग्री पास की जाएगी, ये सेक्शन में दिया गया है और कुछ सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। बट जो आर्डर है उस आर्डर में ये बताया गया है कि सेक्शन में जो सब्सटेंसिव नेचर का है उसे कैसे हम प्रोसीजर में उसको कैसे अडॉप्ट करके और उसको हम कैसे फाइलिंग का तरीका और कैसे प्रोसीजर उसमें अडॉप्ट करके उस केस को हम डिस्पोजल करेंगे, इनका प्रोविजन ऑर्डर में दिया गया है। अब हमको सेक्शन और ऑर्डर का प्रोविजन आ गया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो सीपीसी के जो दो पार्ट हैं जिसमें सेक्शन और ऑर्डर, इसमें अमेंडमेंट करने की पावर किसे, तो सबसे पहले होल सीपीसी पूरे सीपीसी में संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट संसद को दिया गया है, यानी पार्लियामेंट संसद किसी भी पार्ट में किसी भी सेक्शन में किसी भी आदेश में कहीं पर भी होल ऑफ सीपीसी पूरे सीपीसी में अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट जो ऑर्डर वाला पार्ट है उसमें संसद के अलावा अलोंग विद हाई कोर्ट संबंधित स्टेट के हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया है, एंड आल्सो अमेंडेड बाय हाई कोर्ट इन पार्ट ऑफ शेड्यूल फर्स्ट रिलेटेड टू ऑर्डर। जो 51 ऑर्डर दिए गए हैं उसमें संसद के साथ साथ में हाई कोर्ट को भी संशोधन करने की शक्ति दी गई है, यानी हाई कोर्ट भी उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई पार्ट जो सेक्शन और ऑर्डर में मिलाकर पूरे पार्लियामेंट ने संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है, बट ऑर्डर वाले पार्ट में हाई कोर्ट भी कर सकती है, इन दोनों में अगर कंट्राडिक्ट हो जाए, मान लीजिए किसी पार्ट में ऑर्डर में हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट कर दिया और सेक्शन और ऑर्डर में पार्लियामेंट ने भी अमेंडमेंट, संसद ने भी संशोधन कर दिया, तो ऐसे स्थिति में दोनों में अगर कंट्राडिक्ट होने पर पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट किए गए हैं, एक प्रोविजन जो जोड़े गए हैं या उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं वो प्रिवेल करेगा, यानी वो ही लागू होगा। तो ये आपका हम कह सकते हैं पूरी तरीके से ये नेचर है, और जुडिशरी के एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इंटरव्यू में आपका जुडिशरी के उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका यहाँ पर इसके नेचर पर हमने बता दिया। अब इसके बाद में सीपीसी ये पता हो गया कि कैसे हमको पढ़ना है इसके तरीके के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ सीपीसी, यानी इसका संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट टाइटल क्या है, और प्रारंभ इसका मतलब कमिशमेंट कैसे होगा, तथा इसका विस्तार एक्सटेंशन, तीन चीज को सेक्शन वन में बताया गया है। तो इसको हम संक्षिप्त नाम में कह सकते हैं, ये अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नाम से जाना जाएगा, यानी सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के नाम से जाना जाएगा, इसका शॉर्ट टाइटल नेम है। और कमिशमेंट इस ये सन 1909 के 1 जनवरी यानी 1 जनवरी ऑफ 1909 में लागू किया गया,
अब सवाल उठता है ये कब से लागू हुआ, कि 1 जनवरी 1909 से, यानी 1 जनवरी 1909 से इसे हम इन्फोर्समेंट डेट कहते हैं, उस दिन से ये लागू की गई है। अब क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ, तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो सीपीसी है, एक्सटेंशन ऑफ सीपीसी, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है इसका विस्तार। तो इसके विस्तार को हम टू टाइप्स में देख सकते हैं, पहला होल ऑफ इंडिया अदर देन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर में हमारे केंद्रीय एक्ट जो थे ये संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होते थे, बट क्यों ऐसा संविधान में आर्टिकल 370 के रहते हुए वहाँ पर उसकी जो उससे कुछ दिक्कत होती थी और 370 के आधार पर कश्मीर का स्टेटस स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, इस कारण से हिंदुस्तान के जो इंडिया के एक्ट वहाँ अप्लाई नहीं होते थे। बट 2019 में 2019 में 370 आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन करके, उसमें अब 370 के ख़त्म हो जाने के बाद में पूरे इंडिया के सारे एक्ट और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में एक विशेष मतलब कि राज्य के रूप में स्टेटस कर देने के बाद में अब पूरे इंडिया में सीपीसी का एक्सटेंशन हो गया। सीपीसी के अलावा भी अलॉन्ग विथ ऑल सेंट्रल एक्ट केंद्रीय अधिनियम पूरे होल ऑफ इंडिया लागू हो गए, जो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के सिवाय की जो बात करता था तो उसे समाप्त करके अब पूरे हिंदुस्तान में सारे एक्ट लागू हो गए। अब क्वेश्चन आता है ये किस डेट से इम्प्लीमेंट किया गया और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया, तो इसको अमेंडमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा इसको पूरे देश में सीपीसी या सीआरपीसी या आईपीसी या कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रावधान ये सारे एक्ट इम्प्लीमेंट हो गए। और जो लागू होने की डेट है ये एक्ट किस दिन से प्रभावी हुआ, तो ये एक्ट आफ्टर साइन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद में जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है ये 31 अक्टूबर 2019 से इफेक्टिव हो गया, और कह सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 के बाद में ये सारे एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल जो स्टेटस था उसे समाप्त करके अब सारे केंद्रीय एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी लागू हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं विस्तार ऑफ सीपीसी जो जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं लागू होते थे नहीं लागू था, तो अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी सीपीसी लागू हो गई, और वो डेट क्या है 31 अक्टूबर 2019। अब इसमें अगला आता है कि ये कहाँ नहीं लागू होगा, तो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइब्स क्षेत्र, जो रीजन ऑफ ट्राइब्स क्षेत्र, उन एरिया में सीपीसी को नहीं लागू किया गया, यानी कि अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ में वहाँ तो लागू हो गया, केवल इंडिया में नागालैंड राज्य में और जनजातीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सीपीसी लागू नहीं है। अब जनजातीय क्षेत्र से यहाँ दिया गया है 1972 से ठीक पूर्व 6th शेड्यूल में जो ट्राइब्स एरिया में मेंशन थी उन ट्राइब्स एरिया के अंतर्गत उनको मैं कह सकता हूँ कि 1972 के ठीक पूर्व जो असम में जो ट्राइब्स एरिया जो थी उन पर ये एक्ट लागू नहीं था, तो कह सकते हैं उन जनजाति रीजन से मतलब है 1972 से बिफोर जो असम स्टेट में जो ट्राइब्स एरिया थी उनको हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इसका एक्सटेंशन नहीं है और नागालैंड नहीं है, बट संबंधित स्टेट जो है अगर चाहे तो उसे थ्रू अमेंडमेंट के द्वारा
उसे वहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। इस प्रकार हम पूरा देख सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि CPC कहाँ पर लागू है, तो ये होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जो जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी अलॉन्ग विथ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, बट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइब्स एरिया जो बिफोर 1972 के पहले जो असम राज्य में थे उन पर नहीं लागू है। और अब इस प्रकार हमने देखा कि ये इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है, तो पूरी तरीके से हम क्लियर कह सकते हैं कि हमारा जो CPC का ये एक्सटेंशन है और इसके उस पर हमने किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि CPC आगे कैसे और पढ़ना है। यहाँ तक आज इसका एक्सटेंशन और इतनी क्लास को हम क्लियर करते हैं, सेक्शन 1 को मैं क्लियर किया। थैंक यू।